डिजिटल सिग्नेचर मामले में पुलिस द्वारा प्रिंस गिरिराम को आरोपी बनाकर जेल भेजने को लेकर उसके परिजन और समाज के लोगों की भूख हड़ताल जारी है। 5 नवंबर से लगातार जनपद में भूख हड़ताल पर बैठे इन लोगों की सुनने प्रशासन की तरफ से आज तीसरे दिन भी कोई नहीं पहुंचा। समाज के लोगों की मांग है कि मामले में दीपेश नेमा की जल्द गिरफ्तारी हो और किसी भी अनशनकारी के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका जवाब दे शासन प्रशासन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस आंदोलन में मध्य प्रदेश का पूरा कतिया समाज हड़ताल करेगा। विगत दिनों तहसीलदार के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर मामले में दीपेश नेमा के खिलाफ बात करें तो घनसोर तहसीलदार द्वारा एक FIR कराई गई थी, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ पर बैठे हुए हैं ये कृष्ण कुमार गिरिराम, इनका बेटा प्रिंस गिरिराम, काफी दिन से पुलिस के गलत प्रयोग से, पुलिस के गलत तरीके से उसको ले जाया गया है। और जो मुख्य आरोपी दीपेश नेमा है, दीपेश नेमा घनसौर का निवासी है, राजेंद्र नेमा का बेटा है। कुछ दिन पहले एक फर्जी मामला आया था जिसके तहत वो आय जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र बनता था और उस पे कार्यवाही ना करके हमारे कृष्ण कुमार